बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुंचा तारिक ब्यूटी वर्ल्ड। जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी सिंपल लुक लेकर आई हूँ। मैंने आज किया है ऑरेंज शेड के साथ। ठीक है, ऑरेंज शेड को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये आउटफिट भी इतना ज़्यादा इस कलर का लोग नहीं लेते हैं, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज में भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, कुछ बहुत डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। तो मैंने दो तरह के ऑरेंज कलर्स को मिला के एक शेड बनाया है। चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैं एक फ्लॉफी ब्रश पे ब्राउन शेड लूँगी, उसको अपने में क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, क्रीज एरिया पे जब भी हम करते हैं हमेशा ट्रांजिशन शेड की एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि बहुत ही लाइट शेड से हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसकी एप्लीकेशन कर लूँगी और जब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, तो फिर मैं एक दूसरे ब्रश की हेल्प से ऑरेंज शेड में अप्लाई करूँगी। ठीक है, इस ऑरेंज शेड को मैं अपनी पूरी लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी। इसकी रीज़न ये है कि आज हम कर रहे हैं ऑरेंज शेड के साथ मेकअप। ठीक है, तो अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ऑरेंज शेड अपनी फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं ऑरेंज शेड अप्लाई कर रही हूँ, ये मैं मैट यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं मेटेलिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने इसकी एप्लीकेशन करनी है ताकि ये बहुत खिल के ये कलर आए। ठीक है, जब आप अच्छे से मुतमईन हो जाएं कि आपके शेड की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, डन हो गई है, तो ही आप फिर एक काम करें कि आप एक ब्रश के ज़रिए पहले हम लाइनर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, अभी मैं इसको ब्लैक शेड से कर रही हूँ। लाइनर की जगह पे इसको ब्लैक शेड से करके मैं इसे ज़रा सा ब्लेंड करूंगी ताकि ये थोड़ा सा स्मोकी टच आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्मोकी टच दे दिया, इसी को मैंने अंदर भी ब्लेंड कर दिया और थोड़ा सा मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। इसको मैं ऑरेंज शेड के साथ ब्लेंड करूंगी। ठीक है, इससे पहले कि मैं और मज़ीद कुछ करूँ, मैं अपनी लैशेस की एप्लीकेशन कर दूँ। लैशेस पे मैंने ग्लू अप्लाई किया हुआ है, ग्लू मैं अप्लाई कर चुकी हूँ 10 सेकेंड पहले। तो जब भी आप एप्लीकेशन करें अपने लैशेस की, तो 10 to 15 सेकेंड पहले आपने इसकी ग्लू अप्लाई कर देना है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से अप्लाई हो जाए। स्वीट टच का मैंने यूज़ किया है ग्लू, मगर मुझे स्वीट टच का ग्लू नहीं मिला था, लेकिन मुझे जो है ना स्वीट टच का ही ग्लू अच्छा लगता है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन वालों का। ठीक है ना, आप चाहें तो किसी का भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं, क्रिस्टीन का कर लें चाहे स्वीट टच का, लेकिन स्वीट टच वालों का ना एसटी वालों का ग्लू बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो इतनी जल्दी उतरता नहीं है। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी इसकी प्रोडक्ट की, बस जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। ये हो गया जी, अब हमने ये करना है कि इसको मैं हटा रही हूँ। अब मैंने ये करना है, छोटे से ब्रश को लेके मैंने इस पे अप्लाई कर देना है ऑरेंज शेड अपने नीचे लोअर लैश पे। लोअर लैश पे इसकी एप्लीकेशन ब्लैक शेड के साथ करेंगे ताकि इसको मैं जब ब्लेंड करूँगी तो ये स्मोकी हो जाएगा, लाइट स्मोकी शेड होगा। ये सब कुछ हो गया है, अब जब तक मेरी लैशेस ड्राई हो रही हैं तब तक मैं ब्रोबोन एरिया पे और इनर कॉर्नर पे गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ। बहुत डार्क गोल्ड नहीं है ये, लाइट गोल्ड है, बहुत डार्क गोल्ड करने की नीड नहीं है। अच्छा, ये मेकअप आप ब्राइड पे भी कर सकती हैं, ये मेकअप आप एंगेजमेंट पे भी कर सकती हैं, और ये मेकअप आप वेडिंग गेस्ट पे भी कर सकती हैं बआसानी। ओके जी,
अब मैंने ये करना है कि ये गोल्डन मेटेलिक शेड मैं लूँगी, इसको मैं अपने आइज़ के सेंटर में यानी लिड एरिया के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम आई बॉल भी कहते हैं, इस पे अप्लाई करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि थोड़ा सा ये वैसा शेड है, प्रेस ग्लिटर है, इसमें अब इसको आप रगड़िएगा नहीं वरना ये नीचे का शेड आपका हट जाएगा। तो आपने ये करना है कि अपने मेटेलिक शेड की जब आप करेंगी एप्लीकेशन, तो आपने टैप टैप करके इसकी एप्लीकेशन करनी है, इसे रगड़ना नहीं है। ओके, बस आपने सेंटर में करना है, और सेंटर में करके आप देखें कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मैंने ओवर लुक भी नहीं किया है, बहुत सिंपल और बहुत प्यारा सा आपका ये लुक हो गया है। और आप चाहें तो इसे आप बगैर मेटेलिक शेड के, बगैर आप इसके भी कर सकती हैं अगर आपको पसंद नहीं है, या अगर आप किसी ऐसे इवेंट पे जा रही हैं जिसमें आपको ग्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसी तरह से करके आप विदाउट ग्लिटर के भी आप इस मेकअप को अचीव कर सकती हैं। अच्छा जी दोस्तों, अभी तक नहीं पता है कि कल रोज़ा है या नहीं है, मगर मैं मेरी तरफ से एडवांस आप सबको रोज़े की मुबारकबाद, जितने भी मुसलमान हैं इस पूरी दुनिया में, तमाम मुस्लिम मुसलमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत रोज़े की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबका रोज़ा बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत आसानी से गुजारे, और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक अता करे। ठीक है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये थी जी मेरी आज की बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत लुक, जिसे मैंने आपके सामने फटाफट करके दिखा दिया। आपको मेकअप पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।